हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं, यूनिवर्स जो हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिल पाए और सही गाइडेंस आप अपने लाइफ में जो है अप्लाई कर पाएँ। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो सब लोग इसे आप लोग किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूं गाइस, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक से वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। Of diamonds, nine of hearts, nine of diamonds। तो सकते हैं आप लोगों को 999999 बहुत दिख रहा है, एंजेलिक नंबर्स आपको दिखते हैं। बॉटम डेक से वी हैव किंग ऑफ हार्ट्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपके जो एंजल्स हैं, आप जिन पे विश्वास करते हैं, ठीक है, चाहे वो गॉड पे हो, यूनिवर्स पे हो, एंजल्स हो, देखिए वो आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है आपको खुद खुद से चेंज करनी है। ओके, लाइक हो सकता है कि आप प्रेयर्स बहुत कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आप यूनिवर्स को अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, अपने पेंस के बारे में बता रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बता रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मिराकल्स हो लाइफ में, कुछ चीज़ें बदलें, कुछ चीज़ें अच्छी हों। लेकिन मुझे आप पर नज़र आ रहा है कि एंजल्स आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है आपको खुद से चेंज करना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ में बदलाव ला पाएँ, ठीक है। खुद को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ कंफर्ट जोन में नहीं मिलती, हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। और जब तक कोई इंसान हार्डवर्क नहीं करता या फिर कर्म नहीं करता, उसे तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे वो फिर कितना ही स्पिरिचुअल हो, कितना ही रिलीजियस हो, या फिर कितना ही अच्छा इंसान हो वो। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको इस वक्त जो लग रहा है कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप जितना कमाना चाहते हैं उतना आपके पास नहीं है, आप जो लव लाइफ में चाहते हैं वो आपके पास नहीं है, आपकी लाइफ पूरी इम्बैलेंसेस से भर गई है, बहुत स्ट्रगल्स है, स्टैगनेंसी है, ठीक है, पेन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोर्ड लाइफ चल रहा है, तो ये आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। और आप जो है एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में ही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको हद से ज़्यादा पेन, हद से ज़्यादा स्ट्रगल्स, या फिर हद से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि जब तक आप खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे, आप खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक आप जगल ना करके कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू में या फिर कोई एक डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जो है चाहे आप कितने भी मन्नतें मांग लें, कितना भी कुछ कर लें, वो चीज़ वर्क नहीं करेगा। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने लाइफ को लेकर कुछ मेजर डिसीजंस लें, ठीक है, कुछ बदलाव आप खुद से लाने की कोशिश करें। ओके, अब अगर आपकी खराब लाइफस्टाइल है, ठीक है, लाइक आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर आपको करना है कुछ लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका मन कहीं और है लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो आपको करना पड़ेगा, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर हमने अगर शुरुआत किया तो पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, तो आपको शुरुआत करना है, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, किसी चीज़ को हटाने में हो, पास से निकलने में हो, पास से मूव ऑन करने में हो, कुछ न्यू बिगनिंग्स करने में हो, आपको एक स्टेप अहेड लेना पड़ेगा खुद से। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ हार्ट्स, ये आपको बता रहे हैं एंजल्स कि देखिए
आपके जो विशेष हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन आपको अगर अपनी विशेष पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपने विश मांगा है, हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, या किसी इंसान को, एंड आपको वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी जो विश है वो कभी पूरी नहीं होगी, शायद आपने जैसा चाहा वैसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेस कभी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है, आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती, या फिर आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिल सकता, तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। तो वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके हमेशा साथ में है, वो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे, लेकिन वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तब देंगे जब आप अपने दिमाग से, आप अपने लाइफ से नेगेटिव मेंटालिटी को हटाओगे, जब आप ये नहीं सोचोगे कि किधर ध्यान लगाओ किधर नहीं, जब आप ये नहीं सोचोगे कि अगर मैंने आज ये काम किया तो उसका रिजल्ट मुझे कल कैसा मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग, हो सकता है कि किसी चीज़ पे वर्क भी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं वो इनफ है कि नहीं, वो रिजल्ट देगा कि नहीं, और उसमें हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका मन लगना बंद हो जाता है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बदलाव आपको खुद से, अपने आप से करना पड़ेगा, तब जाके एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप बैठे बैठे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ठीक है। वो ज़रूर बदलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वो ज़रूर से ज़रूर बदलेगी। अगर आपको लव लाइफ में भी कोई इशूज़ है, देखिए यहाँ पर द लवर्स भी है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे। अगर आपके लव लाइफ में भी इशूज़ हैं तो आपको अपने माइंड से नेगेटिविटीज़ निकालने पड़ेंगे कि इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, ठीक है, इस पर्सन ने मुझे ये किया, मेरे लव लाइफ में मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो क्या फ्यूचर में मिलेगी। एक पॉजिटिव माइंड सेट, एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें आपके फेवर में डेफिनेटली होगी, गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा लकी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हर एक इंसान जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग लकी है, लेकिन आपके खुद के ब्लॉकेजेस, खुद की नेगेटिविटीज़ की वजह से, या फिर हो सकता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पर्टिकुलर चीज़ों पे, जिसकी वजह से चीज़ें नहीं बढ़ती, आप खुद में, खुद के अंदर ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं सोच सोच के तरह तरह की चीज़ों को। ओके, नाउ यहाँ पर बताया जा रहा है नाइट ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ डायमंड्स, ये बता रहे हैं कि देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एंजल्स जो है ना वो चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े, कामयाब हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप स्टेप आउट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप आपका बहुत शौक है, ठीक है, करियर में आपको शायद अगर एक्टिंग मॉडलिंग का शौक है, ठीक है, या फिर आपको म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करने, आप डांसिंग करते हैं, आपको शौक है कि आप उसे प्रोफेशन में बदलें, लेकिन हो सकता है सोसाइटी के डर से, लोगों के डर से, या फिर आपको लगता है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को नहीं मिल रहा तो हमें कैसे मिलेगा, ठीक है, या फिर इतना कंपटीशन है हम कैसे करेंगे, ठीक है, हमारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, फ्रेंड्स सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि आपको यही बताया जा रहा है कि आपको जो आप सोचते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज है उससे आगे आपको कुछ करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको खुद से वर्क करने के बारे में बताया जा रहा है, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, ठीक है। अगर आपके लव लाइफ में किसी को आप पसंद करते हैं तो जाके आप बात कर लीजिए, ठीक है, ऐसे एक माइंड में बनाकर ना रखिए कि क्या होगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया, ठीक है, अगर क्या होगा अगर मेरी ईगो हर्ट हो गई तो, या फिर मेरा इमेज ख़राब हो गया तो, ठीक है। सो रिजेक्ट किया तो कर दिया, इट्स ओके, फाइन, मूव ऑन, ओके। सो ऐसी एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी, हो सकता है दिल में बहुत ज़्यादा दबा कर बैठ जाते हो, करने से पहले इतना सोच लेते हो कि फिर करने ही नहीं चाहते, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। तो ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है, लेकिन आपको अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा, ठीक है, खुद के अंदर जो है चीज़ों को दबा कर नहीं रखना है पूरे तरीके से, ठीक है। किसी के लिए फीलिंग्स है तो खुल के बोलो, करियर में कुछ पैशनेट हैं, किसी चीज़ में पैशनेट हैं, उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करो, ठीक है। किसी चीज़ में आप जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, उस पर आप जो है वर्क करना शुरू कर दो, क्योंकि जो जस्टिस है वो आप खुद को ही दिला पाओगे, आप किसी के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि ये इंसान आएगा और तब मुझे जस्टिस मिलेगी, तब मैं एक अच्छी लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी, मुझे एक लवर मिलेगा लाइफ का, तब मैं लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी पाऊँगी, वो मुझे सपोर्ट करेगा। नो, आपकी हैप्पीनेस, आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है, आपकी लाइफ की अबंडेंस, ये आपके अंदर से ही शुरू होगी, ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी थिंकिंग अभी इस तरीके की है, तो आपको बताया जा रहा है कि देखिए अगर आप लाइफ में अभी अनएम्प्लॉयड हैं, डिपेंडेंट है किसी पे, तो आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे और गुड लक आपको मिलेगा, गुड फॉर्चून आपको मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा, जब आप एक फेस से दूसरे फेस में जाने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, ब्लॉकेजेस हटाने की कोशिश करोगे, ओके। जब तक आप बैठ के बस एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, कुछ भी वर्क नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। गिल्ट, डेफिनेटली आप पास्ट में जी रहे हो, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि आप लोग पास्ट में जी रहे हैं, हो सकता है आपने कोई गलत डिसीजन लिया लाइफ का, हो सकता है कि आप
आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, आपकी लव लाइफ में कुछ खराब हो, या फिर आपने कोई गलत डिसीजन लिए हो पास्ट में जिसका गिल्ट आपको आज तक है, आपको आज तक ऐसा लगता है कि शायद मैंने वो नहीं करा होता, ठीक है, शायद वैसी सिचुएशन नहीं बनी होती तो आज हम बहुत हैप्पी होते, ठीक है। हो सकता है अभी आप हैप्पी लाइफ भी लीड कर रहे हैं, अभी आपके पास सब कुछ है, आप अर्न भी कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ है, बट फिर भी आप जो है पास्ट में जीने की वजह से जो है हैप्पीनेस जो आपको प्रेजेंट में मिल रही है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उस चीज़ को जो अपना नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ में जो खुशियों को आप ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि आप पास्ट में जी रहे हैं, ठीक है। तो इन वो सबको बता रहे हैं कि अभी आपके लाइफ में जो है, ठीक है, उस पर आप जो है ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, जो भी है, ठीक है, जो भी इंसान है, जो भी काम कर रहे हो आप उस पर ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, बिकॉज जब तक आप पास्ट में जियेंगे, जब तक आप जो है ना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं अभी जो मिल रहा है ये बहुत कम है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो ये जो है ना एक लालच में बदल जाता है और उससे जो है चीज़ों में और भी ब्लॉकेजेस आती है। तो ये आपको यही बताया जा रहा है, यूनिस आपको यही बता रहे हैं कि प्लीज़ पास्ट में मत रहिए, जो भी हुआ इट्स ओके, इंसान है, सबसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, तो आपको पास्ट में नहीं जीना है। विक्टिम, हो सकता है कि आप कहीं पर स्टक हैं, ठीक है, हो सकता है आप किसी नार्सिसिस्टिक सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपको हर्ट करते हो मेंटली या कुछ भी, हो सकता है कि आप किसी कार्मिक मैरिज वगैरह में फंसे हैं कुछ लोगों के लिए, फिर हो सकता है कि आप ऐसे जगह में जी रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हो सकता है कि आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, आपकी वैल्यू नहीं करी जाती, फंस चुके हैं, दब चुके हैं। तो देखिए आपको खुद को जस्टिस दिलाना है, आपको बोल्ड होना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, ये इनवर्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप अगर भी किसी तरह के पेन में हो तो आपको डिजर्व नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में लिखा था तो आपको पेन मिल रहा है, नो, ये किसी सर्कमस्टेंसेस, किसी डिसीशंस या किसी गलत चीज़ों की वजह से हो सकता है, लेकिन आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, आपको जो है खुद के लिए जस्टिस आपको खुद को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ट्राई करें, अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में हैं तो उससे निकल के आने की कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे या मुझे कौन सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है, आपको खुद का सपोर्ट खुद को बनना है। इम्पेशंस, ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत इंपेशेंस हैं, आप लोगों ने यूनिवर्स से प्रे कर लिया है लेकिन आप लोग अब वेट नहीं कर पा रहे, हो सकता है अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, कोई कॉलेज चाहिए, लेकिन आप लोग वेट नहीं कर पा रहे रिजल्ट के लिए, आप लोगों के दिल में तड़प मची हुई है कि कब आएगा कब आएगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इंपेशेंस वाली एनर्जी को आपको हटाना है, ठीक है। किसी भी तरीके का वर्क करो तो उसे पेशेंस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ कीजिए, ताकि जो है चीज़ें आपको आराम से मिले, बिकॉज यूनिवर्स आपको बार बार कह रहे हैं, देखिए एंजल्स का भी यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो एंजल सबके साथ है, लेकिन वो आपको बोल रहे हैं कि देखिए हर एक चीज़ में टाइम लगता है, बहुत जल्दी सब कुछ नहीं मिलता, तो आपको थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ेगा। ट्रिकरी, यस, किसी को भी इतनी ज़्यादा फ्रीडम या फिर इतनी ज़्यादा इमोशंस आप मत दीजिए जो कि आपके लिए हानिकारक हो, जो आपको डोमिनेट करने लग जाए, तो ऐसे इंसान के साथ ऐसे सिचुएशन में कोई अवॉइड करना सीखे जहाँ पे लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करने देते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो यही गाइडेंस आपको मिल रहा है कि ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, अपने आप से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है, और आप यूनिवर्स के मैसेजेस को और भी अच्छी तरीके से जो है ना रिसीव कर पाएंगे। ओके, यस, तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो भी सिचुएशन है आपका दिल आपको ऑलरेडी कह देता है, आप मानिए या ना माने, कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग इंट्यूटिव हैं तो आप अपने दिल की बात सुन लेते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि आप लोग का इंट्यूशन आपको कह देता है लेकिन आप लोग हो सकता है उस चीज़ को समझ नहीं पाते, कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको सही इन्फॉर्मेशन देती है किसी और से पहले, ओके, और जो भी सच्चाई है आपके लाइफ में आपके सामने पूरी तरीके से आ जाएंगी, लेकिन वो कब आएगी, जब आप अपने खुशियों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जब अपने पैशन को फॉलो करेंगे, आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हो उस अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, ज़्यादा दूसरों की टेंशन नहीं लोगे, ठीक है, तब ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको जो है ना अपने खुशियों के लिए काम करना है, किसी और को प्लीज़ करने के लिए, किसी और को एंटरटेन के लिए आपको जो है चीज़ें नहीं करनी है, आपको खुद के लिए चीज़ें करनी है, ये मैसेज बार बार हो रहा है आ रहा है, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों में से ऐसे कुछ लोग हों जो लोग दूसरों को प्लीज़ करने जाते हो, अपने लवर्स को बार बार चेस करने जाते हो, या फिर अपने लवर्स के लिए हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ भी आप लोग करते हो किसी भी तरीके से, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको सबसे पहले खुद के सोल को रेस्पेक्ट देनी होगी। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।